हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट देखने से पहले हम देखेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग वो होता है कि जहाँ पे हम एनी बिजनेस का डेटा कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं इन मॉनिटरी टर्म्स, जिसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। बेसिक अकाउंट कंसेप्ट में पहली अकाउंटिंग कंसेप्ट है हमारी कि जो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां पे बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी होती है गुड्स और सर्विसेज की, पैसों के लिए और पैसों के बिना, वहां पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। जैसे ही हम लिख सकते हैं बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी फॉर गुड्स और सर्विसेस फॉर मनी और मनीज वर्थ, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे। ट्रांजैक्शन के बेसिकली दो टाइप्स है कि जो है, पहला है कि जो है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और दूसरा है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी और दूसरा है नॉन मॉनिटरी। अब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है? ऐसा ट्रांजैक्शन होता है कि जो बेस ऑन मनी है उसे हम क्या कहेंगे, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हम किसे कहेंगे कि जो बेस ऑन मनी नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में क्या होता है, बार्टर एक्सचेंज में गुड्स के बदले क्या दिए जाते हैं, गुड्स दिए जाते हैं, वहां पे क्या होगा, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। और मॉनिटरी क्या, फिर से दो टाइप्स है कि जो है पहला कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जहां पे हम इमीडिएटली कैश पे करते हैं उसे क्या कहेंगे हम, कैश ट्रांजैक्शन। मतलब कैश पे इमीडिएटली वहां पे क्या होगा हमारा, कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होगा कि हम कैश कब पे करेंगे, आफ्टर सर्टन पीरियड। मतलब हम कैश फ्यूचर में पे करेंगे, वहां पे क्या होगा हमारा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, समझो मैंने एक दुकान से एक स्टेशनरी परचेस की 100 रुपीज की, उस केस में मैं क्या करूंगी, शॉपकीपर को मैं 100 रुपीज दूंगी और 100 रुपीज की स्टेशनरी लेकर आऊंगी। इसका मतलब मैंने कैश कैसे पे किया, इमीडिएटली पे किया, तो वहां पे क्या होगा मेरा, कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होगा कि मैं उसे क्या कहूंगी, उसी एग्जांपल में मैं उसे क्या कहूंगी कि मैं तुझे पेमेंट 2 दिन के बाद देती हूँ। मतलब मैं पेमेंट कब करने वाली हूँ, आफ्टर 2 डेज, वो क्या हो गया मेरा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दूसरी कंसेप्ट है कि जो है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब एनी कमोडिटी और एनी आर्टिकल सेल बाय सेलर, वो क्या हो गए उस सेलर के लिए गुड्स। अगर मेरा फर्नीचर का दुकान है तो फर्नीचर मैं बेचूंगी तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स। अगर मेरा स्टेशनरी का दुकान है तो फिर मैं स्टेशनरी बेचूंगी, स्टेशनरी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स। मतलब एनी कमोडिटी सेल बाय सेलर, दिस कमोडिटी इज नोन एज गुड्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक कंसेप्ट हमने 9th या 7th 9 में सीखी होगी। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि समझो मैंने पेन परचेस किया 10 रुपीज को और मैं आपको बेच रही हूँ 15 रुपीज में। मतलब मैंने परचेस कितने में किया, 10, सेल कितने में कर रही हूँ, 15, यानी कि परचेस किया इसका मतलब मेरा एक्सपेंडिचर हो गया 10, सेल किया मतलब मेरा इनकम हो गया 15। ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 5, इसका मतलब मेरा एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज्यादा है, उसे मैं क्या कहूंगी, प्रॉफिट। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ इनकम एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। तो फिर लॉस क्या होगा,
सेम एग्जाम्पल हम कैरी करेंगे, मैंने पेन परचेस किया था 10 रुपीज को, सो तो फिर परचेसिंग प्राइस मेरी कितनी हो गई 10। सेल किया मैंने आपको 7 रुपीज में, इसका मतलब मेरा एक्सपेंडिचर था 10 रुपीज, मेरा इनकम था 7 रुपीज। इस केस में क्या हो गया, मेरा 3 रुपीज लॉस। मेरा क्या ज्यादा है, इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर ज्यादा है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो फिर मैं क्या कहूंगी, एक्सपेंडिचर एक्सेस ओवर इनकम, उस केस में उसे मैं क्या कहूंगी, लॉस। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे कि जो है असेट। सो फोर्थ कंसेप्ट है हमारी असेट। असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो फिर प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, तो कैश ये हमारी प्रॉपर्टी है, गुड्स ये हमारी प्रॉपर्टी है, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, फिर कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये क्या है हमारी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज को हम अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, असेट। अब ये असेट फोर टाइप्स में डिवाइड होती है। जो पहला टाइप है उसका कि जो है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी असेट कि जो बाय नेचर फिक्स्ड है, या फिर ऐसी असेट कि जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं हो सकती, उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड असेट। या फिर ऐसी असेट कि जो असेट हम साल से भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक साल से भी ज्यादा। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फिक्स असेट यानी कि इमूवेबल असेट, और दूसरा है कि जो यूटिलाइज में कर रही हूँ मोर देन वन ईयर, जिसे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड असेट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, कौन सी असेट फिक्स नेचर की होगी, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये हमारी क्या होगी, फिक्स्ड असेट। नेक्स्ट है कि जो है करंट असेट। करंट असेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी असेट कि जो मैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकती हूँ, यानी मूवेबल असेट। और ऐसी असेट कि जो मैं यूटिलाइज करती हूँ विद इन ए ईयर, एक साल में ही मैं उसका यूटिलाइज करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, यूटिलाइज विद इन वन ईयर, जिसे मैं क्या कहूंगी, करंट असेट। जैसे एग्जाम्पल कैश, कंप्यूटर, गुड्स एक्सेट्रा। असेट का तीसरा टाइप है कि जो है टैंजिबल असेट। टैंजिबल असेट क्या होता है, ऐसी असेट कि जो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं, यानी कि वी कैन टच, फील और सीन, वो क्या हो गई हमारी टैंजिबल असेट। जैसे कि हम लाइन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, मशीनरी भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, लैंड बिल्डिंग भी हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं। यहाँ पे कैश, कंप्यूटर और गुड्स के ये भी सेम, तो फिर मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ ऑल फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स आर टेंजिबल इन नेचर। जो मेरे फिक्स्ड असेट है, जो मेरे करंट असेट्स है, वो टेंजिबल असेट हमेशा रहेंगे। बाद में है कि जो है हमारा इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा असेट कि जो हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते और सीन भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसी असेट कि जो हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते और हम टच भी नहीं कर सकते। सो वी कांट टच, फील और सीन, जैसे कि गुडविल या फिर पेटेंट। गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब एनी बिजनेस का रेपुटेशन। रेपुटेशन तो होता है लेकिन दिखता है क्या, नहीं, मतलब जो होता है पर नहीं दिखता, उसे हम क्या कहेंगे, इनटेंजिबल असेट। पेटेंट्स, पेटेंट्स यानी राइट्स। राइट्स तो सबके पास होते हैं लेकिन वो दिखते हैं क्या, नहीं, लेकिन होते जरूर है।
तो फिर इंटेंजिबल असेट में कौन सी असेट आएगी? ऐसी असेट कि जो नहीं दिखती पर होती है. वी कैन टच, फील, सीन, वो क्या हो गई हमारी इंटेंजिबल असेट. नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो है लायबिलिटी. सो यहां पे लिखते हैं हम लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट हम फ्यूचर में पे करने वाले हैं. इसका मतलब विच आर एट टू पे, जो हम पे करने वाले हैं इन फ्यूचर उसे हम क्या कहेंगे? लायबिलिटीज. ये लायबिलिटी भी दो टाइप्स की होती है. पहली है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मेरी क्या होगी? ऐसी लायबिलिटी कि जो मुझे साल में ही पे करनी होगी, वो मेरी क्या हो जाएगी? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होगा? ऐसी लायबिलिटी कि जो मैं मोर देन वन ईयर पे करूंगी. मोर देन वन ईयर द लायबिलिटी विच आर पेएबल मोर देन वन ईयर इज नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. एंड अ लायबिलिटी विच आर पेएबल विद इन अ वन ईयर लायबिलिटी इज नोन एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. जैसे कि मैं शॉर्ट टर्म में लिख सकती हूँ क्रेडिटर्स, ये मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई. और लॉन्ग टर्म में लिख सकती हूँ बैंक लोन, जो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो है डेटर और क्रेडिटर्स. डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स का मतलब वो होता है कि जो हम हमारे कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं, जिसका मतलब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट द पर्सन इज नोन एज डेटर. जिसे हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करेंगे, उधारी पे गुड्स सेल करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? डेटर्स. और क्रेडिटर्स किसे कहेंगे? जिससे हम गुड्स उधारी पे लेंगे उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स. यानी कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर्स. डेटर्स को क्या बोला मैंने अभी? गुड्स सेल ऑन क्रेडिट. उसे कहेंगे डेटर्स. और क्रेडिटर्स परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इसे हम कहेंगे क्रेडिटर्स. डेटर्स यानी हमारा कौन होगा? कस्टमर. और क्रेडिटर्स यानी हमारा कौन होगा? सप्लायर. अब डेटर्स में ही तीन टाइप्स के लोग आते हैं. जैसे कि पहला है गुड डेट्स, दूसरा है बैड डेट्स और लास्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. गुड डेट्स का मतलब क्या होता है कि समझो मैंने आपको गुड सेल कर दिए 10,000 रुपीज के ऑन क्रेडिट बेसिस पे और आपने मुझे 10,000 रुपीज दे दिए. इसका मतलब वो मेरे क्या हो जाएंगे? गुड डेट्स. मतलब जितने के मैंने गुड्स आपको सेल किए थे उतने ही पैसे मुझे वापस मिले, वो क्या हो जाएंगे? मेरे गुड डेट्स. सेकेंड है कि जो है बैड डेट्स. बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको 10,000 रुपीज के गुड सेल कर दिए और आप मुझे पैसे दे ही नहीं रहे हो, पैसे ही नहीं मिले, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे? बैड डेट्स. और आरडी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको 10,000 रुपीज के गुड सेल किए और आपने मुझे हाफ पेमेंट कर दिया है, लेकिन आपने अभी भी हाफ पेमेंट नहीं किया. मतलब इन फ्यूचर आप मुझे हाफ पेमेंट करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, यानी इसे डाउटफुल. सो इट इज अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो है हमारी कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या होता है? कि इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अवर बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. जो भी वो कैपिटल, जो भी अमाउंट बिजनेस रन करने के लिए हमें लगती है, वो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में डाली कि हो जाएंगी हमारी कैपिटल. तो फिर नॉट नेसेसरी कि जो हमारी, जो हमारा कैपिटल है वो हमें कैश में ही चाहिए. गुड्स में भी लाया तो भी चलेगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो है ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? कि एनी अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज और हर पर्सनल पर्पस इज नोन एज ड्रॉइंग्स. जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि मेरा एक स्टेशनरी का मार्ट है और मुझे एक बुक चाहिए, तो फिर मैं मेरे मार्ट से ही लूंगी, ठीक है? उस केस में वो क्या हो जाएंगे? ड्रॉइंग्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो है सॉल्वेंट.
सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन हु कैन पे हिज और हर लायबिलिटी, जो पर्सन उसकी लायबिलिटी पे कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। कि समझो मुझे आपको 10,000 रुपीज पे करने थे लेकिन मेरे पास अब 15,000 रुपीज है, मतलब मैं आपको 10,000 रुपीज पे कर सकती हूँ क्या, कर सकती हूँ। इसका मतलब अ पर्सन हु कैन पे हिज ऑल हर लायबिलिटी द पर्सन इज नोन एज सॉल्वेंट। और इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, अ पर्सन हु कैनॉट पे हिज और हर लायबिलिटी। इसका मतलब मैंने आपको 10,000 रुपीज देने हैं लेकिन मेरे पास अब 5,000 रुपीज ही है, तो उस केस में आपको मैं कितने दूंगी, सिर्फ 5,000 ही दूंगी, लेकिन मुझे आपको कितना देना है, 10,000। इसका मतलब 5,000 अभी भी रिमेनिंग है कि जो मैं आपको नहीं पे कर सकती। अ पर्सन हु कैनॉट पे हिज और हर लायबिलिटी द पर्सन इज नोन एज क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। ये थी हमारी बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए।